फॉर्मूले हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का क्यूब, तो उसका फॉर्मूला हमें पहले एक्सपांड करके निकालना है, फिर वो फॉर्मूला एग्जाम्पल में अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर में भी, मतलब जैसे यहाँ पे एम क्यूब है तो वो किसके बना है, एम से बना है मल्टीप्लाई एम स्क्वायर से, मतलब एम स्क्वायर मल्टीप्लाई एम क्या होता है, एम क्यूब होता है। तो उसको भी हम एक से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, ये सिंपल वाला, फिर नेक्स्ट पर कौन सा लिखेंगे ए प्लस बी उसका स्क्वायर। अभी आपको आपने सेवन स्टैंडर्ड में ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये ए प्लस बी उसका स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अभी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या है प्लस का साइन और ये बी, अभी फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अभी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए क्यूब प्लस ए, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई क्या करना है ट्वाइस ए बी करना है, तो यहाँ पे क्या आएंगे ट्वाइस ए स्क्वायर बी, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और ये जो टू और बी है उसके साथ चल जाएंगे, फिर है ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए वो बराबर क्या हो जाते एक साथ जुड़ जाते, फिर ये बी, अभी बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करना है तो बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस का साइन, फिर क्या करना है बी से क्या करना है बी मल्टीप्लाई ट्वाइस ए बी, तो देखिए यहाँ पे ये टू ए बी मल्टीप्लाई बी क्या होता है बी स्क्वायर, अभी प्लस का साइन बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा। अभी क्या हमें क्या करनी है उसकी अरेंजमेंट करनी है, आंसर आया है तो अभी इसमें से ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें सी क्या करिए करनी है अरेंजमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्या आएंगे ए क्यूब आएंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी है टू के साथ लगे हुए और कहाँ पे दिख रहे हैं आपको ए स्क्वायर बी, ये देखिए ए स्क्वायर बी यहाँ पे, तो टू ए स्क्वायर बी प्लस वन ए स्क्वायर बी क्या हो जाएंगे थ्री ए स्क्वायर बी, ये प्लस का साइन। अगेन देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी है ए बी स्क्वायर है, अभी क्या है बी का स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है ए बी स्क्वायर, तो एक ए बी स्क्वायर और ये टू ए बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे थ्राइस ए बी स्क्वायर, अभी सभी आ गए, अभी लास्ट का कौन सा बचा हमारा बी का क्यूब, तो जो हमारा ए ए प्लस बी का क्यूब उसका हमारा फॉर्मूला जो आया है वो कौन सा आया है ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, अभी यही फॉर्मूला हमें एग्जाम्पल में यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एक्स प्लस थ्री उसका क्यूब, तो होल ब्रैकेट क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है ए का क्यूब करना है, इसमें से जो एक्स है वो ए है और जो बी है वो कौन सा है थ्री है, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाए एक्स का क्यूब करना है तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस का साइन, फिर क्या बोला है थ्री, थ्री फॉर्मूले की है थ्री ए स्क्वायर बी लिखो मत, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जो बी है थ्री है हमारे, थ्री के स्क्वायर कितने होते हैं नाइन, सॉरी सिर्फ बी लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्री आएंगे प्लस ये फॉर्मूले की थ्री और क्या लिखना है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कौन सा है हमारा एक्स है और बी का स्क्वायर करना है, अभी हमें बी का स्क्वायर करना है तो थ्री का स्क्वायर कितने आएंगे यहाँ पे नाइन आएंगे, और फिर लास्ट का क्या है बी का क्यूब करना है, तो बी कौन सा है हमारा थ्री है, थ्री का क्यूब थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, तो ये हमारा ट्वेंटी सेवन। अभी अभी क्या करना है, अभी इनका जो रिमेनिंग बचे होंगे कैलकुलेशन करना है, एक्स का क्यूब का कुछ नहीं होता तो वैसे ही लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री है, थ्री थ्री का कितने होते नाइन, तो नाइन और ये इसके साथ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे देखिए ये थ्री मल्टीप्लाई नाइन, तो ये फॉर्मूले के थ्री है और यहाँ पे ए और बी का स्क्वायर करना था इसलिए थ्री का स्क्वायर हमें नाइन लिखा, नाइन थ्री हजार कितने होते हैं ट्वेंटी सेवन, उसके साथ क्या लगा हुआ है एक्स लगा हुआ है और लास्ट में हमें क्या लिखना था बी का क्यूब, हमें ट्वेंटी सेवन लिखा था तो ये ट्वेंटी सेवन, तो हमारा आंसर क्या है एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी सेवन, ये हमारा लास्ट का आंसर है। तो इसे आपको एक्सपांड करते हुए जाने हैं, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड वाला एग्जाम्पल है टू एम डिवाइड बाई एन प्लस एन डिवाइड बाई टू एम ब्रैकेट क्यूब, अभी यहाँ पे हमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो
टू एम डिवाइड बाई एन है वो क्या है ए है और एन डिवाइड बाई टू एम क्या है वो बी है। तो फॉर्मूले में क्या है ए का क्यूब करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी टू एम डिवाइड बाई एन उसका क्यूब। तो टू का क्यूब कितना होता है एट होता है और एम क्यूब क्या हो जाएगा एम क्यूब और एन का क्यूब क्या हो जाएगा एन क्यूब। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप लिख दी। प्लस अभी नेक्स्ट हमें बोला था कि थ्री फॉर्मूले की थ्री थी फिर हमें लिखना है ए का स्क्वेयर। तो ए जो हमारा था टू का स्क्वेयर कितना होता है फोर एम स्क्वेयर और एन का है एन का स्क्वेयर एन स्क्वेयर। फिर लास्ट में बी लिखना था तो बी कितना है एन डिवाइड बाई टू एम। फिर अगेन प्लस और ये थ्री फॉर्मूले के फिर अभी क्या करना है हमें ए वैसे ही लिखने हैं टू एम डिवाइड बाई एन अभी बी का क्यूब स्क्वेयर करना है। तो बी कितना है हमारा एन डिवाइड बाई टू एम है तो एन स्क्वेयर टू एम का स्क्वेयर फोर एम स्क्वेयर। और लास्ट में क्या करना है बी का क्यूब करना है एन का क्यूब क्या हो जाएगा एन क्यूब हो जाएगा टू एम का क्यूब कितना हो जाएगा एट एम क्यूब। अभी जो हमारे ये जो मिडल है उनकी कैलकुलेशन करने से एट एम क्यूब डिवाइड बाय एन क्यूब प्लस अभी हमें थ्री से क्या करना है फोर को मल्टीप्लाई करना है। तो थ्री फोर का कितने होते हैं ट्वेल्व एम स्क्वेयर डिवाइड बाय एन स्क्वेयर और यहाँ पे कितने हैं हमारे एन डिवाइड बाय टू एम। फिर अभी यहाँ पे ये थ्री थ्री टू चार कितने होते हैं सिक्स सिक्स एम डिवाइड बाय एन ये मल्टीप्लाई एन स्क्वेयर डिवाइड बाय एम स्क्वेयर और लास्ट ही हमारे एन क्यूब डिवाइड बाय एट एम क्यूब। फिर हम उसको और भी कम कर सकते हैं यहाँ पे ये रह गया तो एट एम क्यूब डिवाइड बाय एन क्यूब प्लस अभी देखिए ये एन स्क्वेयर है तो यहाँ एन स्क्वेयर का क्या मतलब होता है एन मल्टीप्लाई एन तो यहाँ का एन इस एन के साथ कर सकता है इसलिए हम काट देंगे। फिर यहाँ का ये हम इसी एम के साथ कर सकता है ये भी काट देंगे। फिर टू के टेबल में ट्वेल्व है कितने टू सिक्स आ ट्वेल्व यहाँ पे कितने एक बचे सिर्फ यहाँ पे एन सिक्स एम ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी टू कट गया था ये यम कट गया था सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यम बचेगा और यहाँ पे सिर्फ एक एन बचेगा प्लस। फिर अगेन देखिए ये एम इस एम स्क्वायर के साथ कट गया और ये एम स्क्वायर इस यम के साथ कट गया तो यहाँ पे कितने बचे ये सिक्स एम डिवाइड बाई ये यहाँ पे दो एम थे ना तो इसमें से एक कट गया इसके साथ सिर्फ एक एम बचा। फिर देखिए एन क्यूब डिवाइड बाई एट एम क्यूब तो ये हमारा लास्ट का आंसर है एट एम क्यूब डिवाइड बाई एन क्यूब प्लस सिक्स एम डिवाइड बाई एम प्लस सिक्स एम डिवाइड बाई एम प्लस एन क्यूब डिवाइड बाई एट एम क्यूब। तो इसे आपको जो इसे फ्रैक्शन में दिए होते हैं उनका भी हम फॉर्मूले के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट देखिए प्रैक्टिस सेट 5.2 उसमें क्वेश्चन दिया है कि एक्सपांड जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है ए प्लस बी उसका क्यूब ब्रैकेट क्यूब का जो हमने एक्सपांशन देखा है उस फॉर्मूले का यूज करके बाकी के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी। तो यहाँ पे देखिए जो के है वो ए है और जो फोर है वो बी है तो हमारा फॉर्मूला क्या है ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब करना है पहले तो के का क्यूब करेंगे के का क्यूब क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी तो ए कितना है के है के का स्क्वायर के स्क्वायर और बी लिखना है सिर्फ बी कितना है हमारा फोर है प्लस का साइन फिर थ्राइस ए बी स्क्वायर करना है तो ए कितना है हमारा के है बी कितना है फोर है तो फोर का क्यूब कितने हो जाएंगे सिक्सटीन तो हम यहाँ पे सिक्सटीन लिख लेंगे। प्लस क्या करना है लास्ट में करना है बी का क्यूब तो बी कितने हमारे फोर है फोर का क्यूब कितना होता है फोर 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 हजार कितने होते हैं सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हजार कितने होते हैं तो फोर का क्यूब होता है हमारा सिक्सटी फोर 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 हजार सिक्सटीन सिक्सटीन फोर हजार सिक्सटी फोर। अभी हमें ये के का क्यूब का कुछ नहीं हो सकता तो के का क्यूब प्लस ये थ्री है और ये फोर है अब ये वेरिएबल है तो थ्री फोर हजार कितने होते हैं ट्वेल्व यहाँ पे स्क्वेयर फिर ये के स्क्वेयर प्लस यहाँ पे थ्री और ये सिक्स का सिक्सटीन का क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है और के क्या है उसको जोड़ देना है सिक्सटीन को मल्टीप्लाई करना था थ्री मल्टीप्लाई सिक्सटीन कितने होते हैं हमारे फोर्टी एट और उसके साथ के वेरिएबल था तो के वेरिएबल लिख लेंगे और हमारे लास्ट के सिक्सटी फोर। तो देखिए अभी इसका आगे कैलकुलेशन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है अभी किसी के साथ तो हमारा लास्ट का जो आंसर आया वो क्या आया है के क्यूब प्लस ट्वेल्व के स्क्वेयर प्लस फोर्टी एट के प्लस सिक्सटी फोर ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही आपको बाकी के सॉल्व करने और जो फ्रैक्शन के होते हैं वो इसके तरह सॉल्व करना ओके okay?